जय हिंद, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस फोर्स के एक और नए एपिसोड में। आज हम कुछ तड़कती भड़कती न्यूज को कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसी अपडेट सामने निकल कर आई है जिसे सुनकर चीन, पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया में हड़कंप मच सकता है। यह अपडेट ऐसे समय पर आई है जहाँ एक तरफ भारत चीन के बीच तनाव अभी भी जारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। न्यूज के अनुसार डीआरडीओ अपनी लॉन्ग रेंज की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM K5 के पहले टेस्ट करने के लिए तैयार है, जो 1 टन के न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ 5000 किलोमीटर से अधिक रेंज तक अटैक करने में केपेबल है। K5 मुख्य रूप से नई S4 और S4 स्टार क्लास SSBN सबमरीन के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो INS अरिहंत और INS अरिघट क्लास की फर्स्ट जनरेशन की SSBN के एनहेंस्ड वेरिएंट हैं। K5 मिसाइल को 2015 में मंजूरी दी गई थी। K5 दूसरी मिसाइल से अलग है, जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, जो मल्टीपल टारगेट को मार सकती है और एयर डिफेंस यूनिट को डिफीट करने के लिए मल्टीपल प्रोजेक्टाइल से एक ही टारगेट को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। DIDO ने कम रेंज पर K5 का टेस्ट करने के लिए विशाखापट्टनम तट से दूर बंगाल की खाड़ी में एक सबमर्जिबल पॉन्टून लॉन्चर का यूज करने की योजना बनाई है। भारत ने पहले ही 750 किलोमीटर की रेंज की K15 सागर का मिसाइल को डेवलप कर लिया है और 3500 किलोमीटर रेंज की K4 और K5 के फैमिली का सबसे लेटेस्ट एडिशन है, जबकि K6 के लिए डेवलपमेंटल क्लियरेंस 2 साल पहले ही दी गई है। DIDO ने MIRV टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करने के लिए इस साल के अंत में मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी के साथ Agni-5 का टेस्ट करने की योजना बनाई है। इसी बात पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।